हेलो फ्रेंड्स, एसके न्यू बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो एंड तक देखें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। और साथ ही आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों, हम लोगों का जितने भी यूट्यूबर हैं उनका बहुत बड़ा उत्साह बनता है, उत्साहित होता है आदमी और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए एग्रेसित हो जाता है। तो आइए, आज एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आपसे रूबरू हो रहा हूँ। साथ ही आप जानेंगे कि ऑनलाइन होल्डिंग ये बिजनेस कैसे किया जाता है, कितना पैसा लगेगा, कहाँ से सेटअप होगा, कैसे किया जाएगा, आज यही जानेंगे। तो आइए ऑनलाइन होर्डिंग बिजनेस के बारे में जानते हैं। ये होता कैसे है, कैसे क्या करना है, सबसे पहले ये जानिए कि 80 से 1 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट होगा, इससे ज़्यादा होने वाला नहीं है। चूँकि एक पीसी लेना होगा और एक आपका अपने नाम से डोमेन बनवाना पड़ेगा, उसको खुद ही प्रमोट करना पड़ेगा। वो ऐसा आपका डोमेन होना चाहिए जिसे दुनिया को लगे कि नहीं, ये होर्डिंग कंपनी का है। जैसे कोई बिजनेस के हिसाब से अपना वेबसाइट बनाता है, उस तरह से वेबसाइट बनाना है। तो इस बिजनेस का काम क्या है, पहले ये जानिए। इस बिजनेस का यही काम है कि आप कहीं चौक चौराहे पर या कहीं भी जाकर देखते हैं, बहुत बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रहता है। तो पोस्टर ऐसे ही नहीं लगता है, उसका पूरा सिस्टम उस पर काम करता है। जैसे उसको गवर्नमेंट से अथॉरिटी लेनी पड़ती है, क्लियरेंस पेपर बनता है कि अथॉरिटी मिलती है कि आप यहाँ पे पोस्टर इस साइज का लगा सकते हैं, इतना तक फिक्स होता है। तो यही काम आपको करना है। आप पहले अपना डोमेन बना लिए, खुद ही प्रमोट कर रहे हैं, साथ ही आप कहीं भी चौक चौराहे पर जाएं, वहाँ का लाइव वीडियो एक बना लें, जिससे आपको कंपनी को बताने में सहूलियत मिलेगी कि हम यहाँ आपका पोस्टर मैंने लगवा सकते हैं। उसके पहले आपको कुछ ज़रूरी रजिस्ट्रेशन है वो कराना पड़ेगा। जैसे जहाँ के लिए आप क्या कहते हैं कि क्लियरेंस की ज़रूरत होती है, तो ये तब ज़रूरत होती है जब वहाँ का ऑर्डर आपको क्लियर मिल गया। आपका जब ऑर्डर मिल गया कि मान लीजिए अगर वाराणसी में हमको लगाना है, अब वो स्टेशन पर लगाना है, तो हम जाके उस समय उसका क्लियरेंस लेंगे। ऐसा नहीं कि पूरे दुनिया का क्लियरेंस आप ही को मिल जाएगा, एक ख़ास जगह के लिए ही आपको मिल पाता है। तो इस तरह से बिजनेस किया जाएगा। अब इसमें क्या क्या नेसेसिटी होगी, आपको पीसी ज़रूरी है, साथ साथ आपका मेल होगा और आपका एक रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर होगा, जैसे मैसेज का काम होगा, और इस तरह से सेटअप करेंगे। अब इसमें अब काम कैसे लेना है, अब ये जानिए। जैसे आप जितनी भी कंपनियां हैं, या ग्रोसरी स्टोर का दुकान है, बड़ा सा दुकान है, या कपड़े का कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अब उन लोगों से हम क्या करेंगे कि जाके वहाँ पर मिलेंगे, भाई आपको ऐड कराना है, हम आपका यहाँ बोर्ड लगवा सकते हैं, जहाँ कहिए वहाँ लगवा सकते हैं। तो पहले ऐसे बात किया जाता है, फिर जहाँ से ऑर्डर हो जाएगा तो आप वो जो है बिजनेसमैन या ओनर पूछेगा आपसे कि भैया हमारा यहाँ पे बोर्ड लगाना है, इस चौराहे पे, यहाँ भीड़ भाड़ होता है इस साइड में। तो आप जाके वहाँ पे सर्च करेंगे कहाँ जगह खाली है, चूँकि पहले से भी कंपनियाँ कुछ काम कर रही हैं तो उनका भी तो लगा है बैनर, तो आप मालूम करेंगे कि यहाँ पे स्पेस है कि नहीं है। फिर उसके बाद जैसे ही आप उसका जाके वहाँ पे वीडियो बनाएंगे, वीडियो बनाने के बाद एक वीडियो आपके वेबसाइट पर लोड होगा और उसका आईडी पासवर्ड उसी को दिया जाएगा जो आपको ऑर्डर देता है या जिससे बात बन रही है या बात हुई है। अगर उनसे बात हुई है, अगर वो आपका वीडियो देख लेते हैं, आईडी पासवर्ड उनको सेंड कर दिया जाता है, तो वो आपका वीडियो देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे ये सेटअप करवा सकते हैं।
अब उसके हिसाब से ऑर्डर लेना है। अब ऑर्डर कैसे लेना है इसमें भी समझना है। आपके पास तो अभी कुछ है नहीं, बस पीसी है, आप मैसेजिंग का काम करेंगे, आप ऑर्डर का काम करेंगे। तो जितने भी ये वेल्डिंग करने वाले होते हैं तो इनसे बात होती है कि अब जब जाके बात करेंगे कि भैया आप कितने में यहाँ पे एक स्ट्रेचर खड़ा कर देंगे जिस पर बनर लगाना है, वो बोला 30,000 40,000 जो भी बोला, उससे बार्गेनिंग करके अपने हिसाब से सेटअप करा लिए कि भैया इस तरह का आपको टांग देना है। उससे ये भी बात कर लेना है कि साल भर के अंदर टूटता है, गिरता है, आंधी तूफान जो भी में गिरता है तो आप ही को रिपेयर करना है। तो वो उस तरह से उसको एक एग्रीमेंट पेपर उससे बनवा लेते हैं कि भैया टूट फूट जाएगा तो आप ही को करना है। अब इसके बाद उसका जो एड हम ऑर्डर लिए, अब उसके हिसाब से प्रिंटिंग प्रेस वाले को देखो जो फ्लेक्सी का काम करता है, तो वो फ्लेक्सी को आप दे देंगे कि इस तरह का कस्टमर ऑर्डर दे देता है कि हमारा इस तरह का बैनर बनना चाहिए। अब उसको कंप्यूटर पर दिखा देंगे कि आपका बैनर इस तरह से बनना चाहिए, वही ऑर्डर फ्लेक्सी वाले को दे देंगे, वो आपको बैनर बना के दे देगा, उसका भी चार्ज आप ही को पेड करना है। अब ऐसे ऐसे इसकी पूरा कैलकुलेशन करके तब हम ऑनर को बताएंगे कि 1,20,000 या 1,30,000 आपका कॉस्ट आएगा। अब उससे आपसे बात हो जाएगी और वो आपको पैसा सेंड कर देंगे। फिर वो टाइमिंग देंगे कि भैया हमारा एक महीना में वहाँ सेट हो जाना चाहिए। ठीक है सर, आपका 20 दिन में वहाँ हम सेटअप करवा देंगे। अब उसके हिसाब से आप काम पर लग गए और उसका 20 दिन में, एक महीना का टाइम ले लीजिए, ठीक है, आप 20 दिन में ही सेट करवा के फ़ोटो खींच के सेंड कर दिए, भैया आपका बैनर यहाँ लग गया, सब कुछ एग्री हो गया। तो इस तरह से भैया इसमें 1,00,000 रुपये मान के चलिए कि इन्वेस्ट करने के बाद आप करोड़ों का कारोबार कर सकते हैं। इसमें भाई साहब एक हमारे वाराणसी का मित्र हैं, कुछ दिन पहले, आज के 5, 6 या 10 कह दे तो बेहतर होगा, वो काफ़ी मुश्किल से अपना घर परिवार चला रहे थे, वाराणसी में जाके अपना सारा बिजनेस सेटअप किए हैं, यहाँ तक वो फ्लेक्सी का भी काम करने लगे। अब देखे कि ऑर्डर फ्लेक्सी में बहुत ज़्यादा कॉस्ट उनका जाता था, तो पूरा प्रिंटिंग प्रेस का सेटअप अपने घर में ही करवा दी, ऑर्डर भी लेते हैं। अब वेल्डिंग करने वाला भी उनके साथ एक मिल गया है, जो कि वो आके अपना सब कुछ स्ट्रेचर बना देता है, लोहा यही खरीदते हैं, एंगल यही खरीदते हैं, वेल्डिंग का मशीन इनका है, वो आके बना देता है, जाके वहाँ सेटअप कर देता है, इनके आदमी जाके वहाँ बैनर फिक्स कर देते हैं। तो इस तरह से भैया 1,00,000 रुपये करा के कुछ समय में, साल 2 साल 4 साल में आप करोड़ों का कारोबार कर सकते हैं। एक बार इस बिजनेस को ज़रूर नज़दीक से समझिए, अपना डोमेन बनाइए और अपने काम को अंजाम दीजिए। दोस्तों, ये बिजनेस में कुछ ज़्यादा मेहनत वाली काम नहीं है, ये केवल आपको फ्रेंकली बात करने का है, प्यार से किसी से बात करने का है, कहीं से क्लियरेंस लेने के लिए पदाधिकारी से भी बात करना होगा तो आप प्यार से जाके उनको बोलेंगे, वो आपका क्लियरेंस ज़रूर देंगे या किसी माध्यम से क्लियरेंस बन जाएगा। जैसे अगर बड़ा अधिकारी नहीं है तो छोटे अधिकारी एग्रीमेंट करते हैं। तो इस तरह से आप पेपर बनवा के बैनर पोस्टर और होर्डिंग का काम आप शुरू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए।